हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेद्रे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में जो हमारा छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी वाला टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक के साथ साथ अब हम जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे वाला, उसे भी लेते हुए चलेंगे। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे के सारे मेजर पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। इसमें कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बचे हुए हैं, जैसे एक है आपका उद्योग या जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, दूसरा है आपका विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए जैसे शिक्षा है, सामाजिक सेवाएँ है, स्वास्थ्य है, यानी लगभग चार पाँच वीडियो में आपका छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, आपको दो वीडियो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का अवेलेबल होगा, उसके बाद एक वीडियो आपको छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे का अवेलेबल होगा। तो आपका छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के साथ साथ छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है, ये है हमारा छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं आपका अध्याय 10 उद्योग पर। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कुछ औद्योगिक नीतियाँ, औद्योगिक पार्क, कुछ नवीनतम औद्योगिक क्षेत्र और कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति होती क्या है? औद्योगिक नीति सरकार की अगले 5 वर्ष के लिए उद्योग क्षेत्र के विकास में या उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की क्या रणनीति है, क्या पॉलिसी है, इसका एक 5 ईयर प्लानिंग तैयार करती है ना। यानी उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या रणनीति अपना रही है, इसका यह एक 5 ईयर प्लानिंग होता है, जिसे औद्योगिक नीतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार लागू करती है। ये औद्योगिक नीति इनडायरेक्टली निवेशकों को आकर्षित करने के लिए होता है, यानी अपने औद्योगिक नीतियों के माध्यम से राज्य सरकार निवेशकों को यह बताती है कि यदि वे छत्तीसगढ़ में निवेश करते हैं या छत्तीसगढ़ में किसी उद्योग को स्थापित करते हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, उन्हें किस प्रकार की छूट दी जाएगी या क्या पॉलिसी उनके लिए रहेगी, इसे अपने औद्योगिक नीति में दर्शाती है। जैसे उन्हें वैट में छूट मिलेगा, प्रवेश कर में छूट मिलेगा, भूमि खरीदी पर उन्हें रजिस्ट्रेशन में छूट मिलेगा। तो ये क्या है, इन पॉलिसियों के माध्यम से ही निवेशक आकर्षित होते हैं। तो इस औद्योगिक नीति के माध्यम से इनडायरेक्टली राज्य सरकार निवेशकों को आकर्षित करती है। ये औद्योगिक नीतियाँ सरकार की अगले 5 साल के लिए उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए या उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की उनकी प्लानिंग रहेगी, इसे दर्शाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप इसे देख लीजिए जो थर्ड नंबर पर है, औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आपकी जो औद्योगिक नीति लागू है वो है आपका 2014 से लेकर के 2019 तक। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक नीति लागू है वो है आपका 2014 से लेकर के 2019 तक के लिए। इसके साथ देखिए, कोई भी औद्योगिक नीति आपको लागू होती है तो उसका डेट एकदम फिक्स है, ये वाला 1 नवंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक। अभी हम 2-4 और औद्योगिक नीतियाँ देखेंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई भी औद्योगिक नीति है, आप उसका ईयर अलग से याद रखिए, लेकिन डेट फिक्स है, 1 नवंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक कोई भी औद्योगिक नीति लागू होगी तो वह 1 नवंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक की उसकी अवधि रहती है। यानी अभी प्रदेश में जो औद्योगिक नीति लागू है वो लागू हुआ है आपका 1 नवंबर 2014 से लेकर के 31 अक्टूबर 2019 तक के लिए। अब देखिए, इसमें से और एक प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में प्रदेश में कौन सी औद्योगिक नीति लागू है। यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में प्रदेश में कौन सी औद्योगिक नीति लागू है, तो याद रखिएगा, प्रदेश में अभी वर्तमान में 4थी औद्योगिक नीति लागू है। ठीक, अब देखिए, ये जो औद्योगिक नीति है, ये औद्योगिक नीति जो सरकार तैयार करती है, ये स्पेशली कोर सेक्टरों को या बड़े बड़े उद्योगों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती थी। इसमें जो 8 कोर सेक्टर है, देखिए ये 8 कोर सेक्टर क्या है इसे भी थोड़ा जान लीजिए, इससे ही प्रश्न बनते हैं। टोटल 8 कोर सेक्टर है। देखिए, जो 8 कोर सेक्टर है, इस 8 कोर सेक्टर को आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से याद कीजिए। छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ क्या चीज के लिए फेमस है, एक है आपका कोयला, दूसरा है आपका लौह अयस्क, तीसरा है अपने विद्युत यानी 24 घंटे जो बिजली आपूर्ति करता है ना, और चौथा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आपके सीमेंट प्लांट है। तो ये 4 है आपके कोर इंडस्ट्रीज। देश में कुल 8 कोर इंडस्ट्रीज है, 8 में से 4 कोर इंडस्ट्रीज। मैं आपको छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य से इसे याद कराने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहले नंबर पर है कोयला, दूसरा है आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है छत्तीसगढ़ यानी इस्पात, तीसरा है आपका सीमेंट के लिए फेमस है यानी सीमेंट, और चौथे नंबर पर है 24 घंटे बिजली आपूर्ति होता है यानी बिजली। कौन कौन से, कोयला, इस्पात, बिजली और सीमेंट, ये 4 हो गए। इसके बाद आपको याद रखना है 2, तेल, तेल से याद रखिएगा, एक है आपका कच्चा तेल और दूसरा है पेट्रो रिफाइनरी यानी पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद। तो पेट्रो रिफाइनरी या रिफाइनरी उत्पाद, 2 तेल हो गए यानी
पहला कोयला, दूसरा इस्पात, तीसरा बिजली, चौथा सीमेंट, फिर उसके बाद पांचवा कच्चा तेल, छठवा पेट्रोल रिफाइनरी और या रिफाइनरी उत्पाद। ठीक, उसके बाद आपको याद रखना है जैसे पेट्रोलियम उत्पाद है तो पेट्रोलियम उत्पाद से क्या बनता है, एक गैस भी बनता है, तो प्राकृतिक गैस सातवें नंबर पर, प्राकृतिक गैस। और उसके बाद आपको एक याद रखना है उर्वरक। देखिए इन कोर सेक्टर को आप छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में ही याद रखिएगा, एक है आपका कोयला, दूसरा इस्पात, तीसरा बिजली, चौथा सीमेंट, उसके बाद दो प्रकार के तेल, एक कच्चा तेल, दूसरा आपका पेट्रोल रिफाइनरी उत्पाद। पेट्रोलियम से क्या बनता है, गैस यानी प्राकृतिक गैस, और एक है आपका उर्वरक। तो ये आठ प्रकार के कोर सेक्टर है, इन कोर सेक्टर से भी इंडिविजुअल प्रश्न बनते हैं। आपको क्या बोलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग या कौन सा उपक्रम आपका कोर सेक्टर में शामिल नहीं है या कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है, तो आपको तीन चार ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन आपका अलग डिफरेंट उपक्रम से दे देगा, डिफरेंट उद्योग से दे देगा। तो उसमें आपको पहचानना रहेगा कि कौन कौन सा कोर सेक्टर में शामिल है और कौन सा कोर सेक्टर में शामिल नहीं है। तो देश में जो आपको मैंने आठ नाम बताए, ये आठ नाम या आठ इंडस्ट्रीज आपके कोर सेक्टर में शामिल है, तो छत्तीसगढ़ सरकार इन्हीं कोर सेक्टरों को अपने ध्यान में रखते हुए अपनी 5 ईयर प्लानिंग या अपनी 5 साल की जो अपनी औद्योगिक नीति है उसे तैयार कर दी थी। तो इसमें क्या है, ये जो बड़े बड़े जो कोर सेक्टर है छत्तीसगढ़ में, पूरे के पूरे कोर सेक्टर अवेलेबल नहीं है। देखेंगे तो आप छत्तीसगढ़ में केवल कोयले का है, इस्पात का है, बिजली का है, सीमेंट का है, लेकिन जो बचे हुए हैं आपके प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पेट्रोल रिफाइनरी, तो सारे के सारे कोर सेक्टर छत्तीसगढ़ में अवेलेबल नहीं है। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार जो अपनी औद्योगिक नीति इन बड़े 8 कोर सेक्टरों को लेते हुए तैयार करती थी, तो इसमें क्या है, निवेशक इस सेक्टर में ज़्यादा आकर्षित नहीं होते, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन नहीं होता। तो इन कोर सेक्टरों से अलग छत्तीसगढ़ सरकार ने अलग अलग अपनी औद्योगिक नीतियों को बांटा। इस औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नीतियों को और विस्तारित किया। तो इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकार ने चालू किया अपना ऑटोमोटिव नीति। ऑटोमोटिव नीति यानी आपके ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, आपके दुपहिया वाहन, तीन पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, है ना, यानी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके लिए उसने अलग से अपनी नीति लागू करी, आपके ऑटोमोटिव नीति। आपको मालूम होगा ये जो ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर है इसमें काफ़ी रोजगार का सृजन होता है। औद्योगिक नीति का मतलब ये नहीं कि सरकार अपना इनकम ही देख रही है, सरकार को रोजगार का सृजन भी करना है। तो इन औद्योगिक नीतियों के माध्यम से केवल 8 कोर सेक्टर पर ही कॉन्सेंट्रेट हो पा रही थी सरकार। तो इसके अलग उसने अपने जो औद्योगिक नीति है उसे छोटे छोटे अपने सब डिवीजन में जिसे डिवाइड किया, तो उसी के अंतर्गत उसने लागू किया अपनी ऑटोमोटिव नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, ग्रामोद्योग नीति। तो ये जो नीतियां हैं, है ना, ये जो अलग अलग सेक्टर है ये आपके कोर सेक्टर में शामिल नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो ऑटोमोटिव नीति इसमें काफ़ी रोजगार का सृजन होगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य है तो इसमें क्या है, कृषकों के लिए एक आय का सृजन होगा या कृषकों को आपका रोजगार सृजन होगा, अवेलेबल होगा। उसके बाद ग्रामोद्योग नीति, ग्रामोद्योग नीति यानी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, जो छोटे छोटे शिल्पकार है उन्हें बेस में लेते हुए अपनी एक 5 ईयर अलग से नीति बनाती है इस औद्योगिक नीति के अलावा। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा औद्योगिक नीतियां क्या होती है और उसके अंतर्गत ये जो सब उसे डिवाइड किया गया है उसे समझ लीजिए। तो देखिए मैंने इसे इस प्रकार से सेट किया है कि आपको इसे याद करने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जैसे ये चालू हुआ है आपका 2012 में, 2012 के बाद 2014, 2014 के बाद 2016, 2016 के बाद 2017, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जो जितनी भी नीतियां हैं ये आपके औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत शामिल है। मैंने इसे सेट इसलिए किया है ताकि आपको इसके डेट याद करने में आसानी हो। इसके साथ यह भी याद रखिएगा कि कोई भी औद्योगिक नीति वो लागू होती है 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक के लिए। तो चलिए हम अब ईयर याद करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है आपकी ऑटोमोटिव नीति। ऑटोमोटिव नीति आपका लागू है 2012 से लेकर के 2017 तक के लिए यह लागू थी। 2012 से 2017 तक के लिए आपकी ऑटोमोटिव नीति लागू थी। 31 अक्टूबर 2017 को आपकी ऑटोमोटिव नीति की अवधि समाप्त हो चुकी है। अगली ऑटोमोटिव नीति सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। तो फिलहाल आप यही याद रखिएगा कि जो ऑटोमोटिव नीति जो उसकी टाइम ड्यूरेशन था वो है आपका 1 नवंबर 2012 से लेकर के 31 अक्टूबर 2017 तक के लिए। नेक्स्ट कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति यह लागू थी आपकी 2012 से 2019 तक के लिए। देखिए ये जो है ये भी आपका 5 साल के लिए लागू था, यानी 2012 से 2017 तक के लिए इसकी अवधि थी, लेकिन इसकी अवधि और 2 साल बढ़ा दी गई यानी 2019 कर दी गई। तो याद रखिएगा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति यह 7 साल के लिए लागू है।
यानी इसकी अवधि 1 नवंबर 2012 से है 31 अक्टूबर 2019 तक। ठीक, तो 2012 में दो नीतियां हैं, कौन कौन सा, ऑटोमोटिव नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति। तीसरे नंबर पर है आपका औद्योगिक नीति। प्रदेश की वर्तमान में जो औद्योगिक नीति लागू है वो है आपका 2014 से लेकर के 2019 तक, यानी 1 नवंबर 2014 से यह लागू हुआ है जो समाप्त होगा आपका 31 अक्टूबर 2019 को। प्रदेश में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति लागू है पूछा जाए तो चौथी औद्योगिक नीति लागू है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पश्चात पहली औद्योगिक नीति लागू की गई थी 2001 से लेकर के 2006 तक के लिए, लेकिन वो औद्योगिक नीति उतनी सफल नहीं रह पाई, उसे बीच में ही उसे रोकना पड़ा, यानी 2004 में द्वितीय औद्योगिक नीति लागू की गई। तो द्वितीय औद्योगिक नीति का कालक्रम था आपका 2004 से लेकर के 2009 तक, उसके बाद तीसरी औद्योगिक नीति आई 2009 से लेकर 2014 तक के लिए। अब वर्तमान में जो औद्योगिक नीति लागू है चौथी औद्योगिक नीति 2014 से लेकर 2019 तक। ठीक, तो 2014 के बाद अब अगला आता है 2016 ग्रामोद्योग नीति। ग्रामोद्योग नीति मतलब हथकरघा उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे जो शिल्पकार है, है ना, तो उनको जो केंद्र में रखकर जो नीति तैयार की गई है वो है आपकी ग्रामोद्योग नीति। ग्रामोद्योग नीति का कालक्रम है आपका 2016 से लेकर के 2021 तक, यानी 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2021 तक आपकी ग्रामोद्योग नीति लागू है। तो देखिए, 2012 में दो नीतियां लागू है, कौन कौन सा, ऑटोमोटिव नीति और आपका कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति। उसके दो साल बाद यानी 2014 में कौन सी नीति लागू है, आपकी औद्योगिक नीति 5 साल के लिए 2019 तक। उसके दो साल बाद यानी 2016 को कौन सी नीति लागू है, आपका ग्रामोद्योग नीति, यहाँ तक याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सौर ऊर्जा नीति। सौर ऊर्जा नीति वर्तमान में प्रदेश में जो सौर ऊर्जा नीति लागू की गई है ये लागू हुआ है आपका 2017 से लेकर के 2027 तक। वर्तमान में जो सौर ऊर्जा नीति लागू है यह लागू किया गया है आपका 2017 से लेकर 2027 तक। देखिए, जो बाकी आपकी औद्योगिक नीतियां हैं वो आपका 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक के लिए रहता है, लेकिन ये जो सौर ऊर्जा नीति है यह आपका लागू हुआ है 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक। जो हमारा वित्तीय वर्ष रहता है उस वित्तीय वर्ष के आधार पर ही इसे लागू किया गया है। सौर ऊर्जा नीति लागू है आपका 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक। प्रदेश में आपका पहली बार नवीनीकरण ऊर्जा नीति लागू की गई थी 2002 में। 2002 में आपकी नवीनीकरण ऊर्जा नीति लागू की गई थी जिसका अवधि समाप्त हुआ आपका 31 मार्च 2017 को। 31 मार्च 2017 को यह नवीनीकरण ऊर्जा नीति की अवधि समाप्त हुई। इसे नवीनीकरण ऊर्जा नीति बोलिए या सौर ऊर्जा नीति बोलिए, दोनों सेम है, लेकिन 2017 में इस नवीनीकरण ऊर्जा नीति का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया सौर ऊर्जा नीति। सौर ऊर्जा नीति जिसकी अवधि है 10 साल के लिए, देखिए 2017 से लेकर के 2027 तक, बाकी 5 साल के लिए है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति आपका 7 साल के लिए है, और ये सौर ऊर्जा नीति है, ये सौर ऊर्जा नीति आपके 10 साल के लिए है, 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक के लिए। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा, इसको थोड़ा स्पेशली याद रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हम कुछ औद्योगिक पार्क की तरफ। ये औद्योगिक पार्क आपके छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में एकदम अलग से हाईलाइटेड है। देखिए, प्रदेश में आपका जो मेटल पार्क है, मेटल पार्क कहाँ स्थित है, आपका रावाभाटा रायपुर में। सेकंड है आपका इंजीनियरिंग पार्क, इंजीनियरिंग पार्क स्थित है आपका हथखोज भिलाई दुर्ग में। ठीक, तीसरे नंबर पर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थित है आपका नया रायपुर, जिला रायपुर में। देखिए, ये जो औद्योगिक पार्क है आप इसे कहीं ना कहीं पहले भी पढ़े होंगे जनरल स्टडी वाले पोर्शन में, लेकिन ये जो इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया हुआ है इसे स्पेशली याद रखिएगा। ये औद्योगिक पार्क से या तो इंडिविजुअल प्रश्न बन सकते हैं या तो आपको मैच दी फॉलोइंग यानी जोड़ी मिलान में आपको दे देगा कि एक तरफ आपका औद्योगिक पार्क दे देगा और उससे संबंधित वो किस जिले में या किस एरिया में आपका स्थित है वो आपको जोड़ी मिलान या मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। तो मेटल पार्क कहाँ है, आपका रावाभाटा रायपुर में, इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई दुर्ग जिला में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क नया रायपुर रायपुर जिला में, मेगा फूड पार्क स्थित है आपका बगौद ग्राम धमतरी में, बगौद ग्राम जिला धमतरी में। एक फूड पार्क आप पढ़े होंगे, एक फूड पार्क है आपका टेडेसरा राजनांदगांव में। ये जो पार्क है ये है आपका मेगा फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क या मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क अगर पूछा जाए तो ये स्थित है आपका बगौद ग्राम धमतरी में।
प्लास्टिक पार्क, नवीनतम प्लास्टिक पार्क आपका जो प्रस्तावित है, देखिए ये जो नीचे के दो पार्क है ये भी प्रस्तावित है, बने नहीं हैं। जो नवीनतम प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित है ये है आपका खैरझिटी ग्राम राजनांदगांव जिले में। राजनांदगांव जिले के खैरझिटी ग्राम में नवीनतम प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित है। प्रदेश में अभी एक प्लास्टिक पार्क ऑलरेडी स्थापित है, वो है आपका तिल्दा रायपुर जिले। रायपुर जिले के तिल्दा में आपका अभी प्लास्टिक पार्क ऑलरेडी स्थापित है। यह नवीनतम प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है पूछा जाए आपसे तो खैरझिटी ग्राम राजनांदगांव जिले में। उसके बाद एल्युमिनियम पार्क, एल्युमिनियम पार्क कहाँ प्रस्तावित है, दोंद्रो, दोंद्रो ग्राम कोरबा में, कोरबा के दोंद्रो ग्राम में नवीनतम एल्युमिनियम पार्क प्रस्तावित है। तो ये सारे के सारे औद्योगिक पार्क को याद रखिएगा। इसके बाद इसे थोड़ा अलग से याद रखिएगा, जो ये जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है ये चीज़ आपको कई जगह इकोनॉमिक सर्वे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ये काफ़ी हाईलाइटेड है। लखनपुर, लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र, लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है पूछा जाए तो चारामा कांकेर, कांकेर जिले के चारामा में आपका लखनपुरी ग्राम में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र सरकार की जो योजना थी आपका एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र, एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र की जो योजना केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई जा रही थी उसके मॉडल पर यह तैयार किया गया है लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र। तो नवीनतम औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी, नवीनतम औद्योगिक क्षेत्र कहां स्थित है पूछा जाए तो आप याद रखिएगा चारामा कांकेर जिला, कांकेर जिला के चारामा में आपका लखनपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका अपैरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर। अपैरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर तीन जगहों पर स्थित है, यह कहां कहां पर, एक है आपका रायपुर, रायपुर के बाद है भिलाई, भिलाई के बाद है आपका राजनांदगांव। इन तीन जगहों पर आपका अपैरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर स्थित है। अपैरल यानी अपैरल कपड़ा संबंधित, तो कपड़ा के ट्रेनिंग और डिजाइन है ना, जो कपड़े के जो डिजाइन होते हैं या फैशन इंडस्ट्री समझ लीजिए, तो अपैरल मतलब कपड़ा, तो अपैरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर तीन जगहों पर है। देखिए यदि आप छत्तीसगढ़ मैप में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ मैप में रायपुर, रायपुर के जस्ट बगल में है दुर्ग जिला, दुर्ग जिला का भिलाई, उसके जस्ट बगल में है आपका राजनांदगांव। तो ये तीन लाइन से है, लाइन से याद रखिएगा, रायपुर, रायपुर के बगल में भिलाई, भिलाई के बगल में है आपका राजनांदगांव। देखिए ये प्रश्न आपका सीजीपीएससी प्री 2017 में पूछा जा चुका है। सीजीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर स्थापित नहीं है, स्थापित नहीं है पूछा गया था। उसमें ऑप्शन दिया गया था रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, राजनांदगांव और पांचवा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, तो उसका आंसर लिया गया था बिलासपुर। तो याद रखिएगा प्रदेश में केवल तीन स्थानों पे आपका अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर स्थित है, कहां कहां पर, रायपुर, भिलाई और तीसरा है आपका राजनांदगांव, बिलासपुर में यह नहीं है। ठीक, जब चलिए देखिए, देखिए अब नेक्स्ट है आपका पतंजलि खाद्य प्रसंस्करण केंद्र। पतंजलि खाद्य प्रसंस्करण केंद्र या पतंजलि फूड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है आपका बीजेतला ग्राम राजनांदगांव जिले, राजनांदगांव जिले के बीजेतला ग्राम में आपका पतंजलि फूड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यह प्लांट स्थापित या यह फूड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है आपका मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार के द्वारा, है ना, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार जो कि आपका बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की गई है आपका कंपनी है पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड हरिद्वार। इसने सीएसआईडीसी मींस छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सामने लगभग 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता रखी है। तो फिलहाल अभी जो सीएसआईडीसी ने लगभग 190 एकड़ की भूमि इन्हें अलॉट की है, लगभग 300 एकड़ भूमि अभी भी इन्हें अलॉट किया जाना है। तो लगभग 500 एकड़ भूमि पर यह पतंजलि फूड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा आपका बीजेतला ग्राम में। लगभग 500 करोड़ की लागत से यह फूड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो इस पतंजलि प्रसंस्करण केंद्र में आपका खाद्य प्रसंस्करण मींस फूड प्रोसेसिंग, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यानी फ्रूट एवं वेजिटेबल प्रोसेसिंग, NTFP प्रसंस्करण, NTFP मींस नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, तो ये सारे के सारे प्रोसेसिंग इस आपका पतंजलि फूड प्रोसेसिंग सेंटर में किए जाएंगे। तो इससे क्या है, काफ़ी मात्रा में आपका रोजगार का सृजन होगा, किसानों को उनकी फसल खपाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो याद रखिएगा पतंजलि फूड प्रोसेसिंग सेंटर या पतंजलि खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बीजेतला ग्राम राजनांदगांव जिला। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है आपका सीपेट, सीपेट यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट।
जो प्रदेश में जब यह सीपेट बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था तो कुल 4 स्थानों पर इस सीपेट को स्थापित किए जाने या सीपेट खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया था। वो 4 जिले थे आपके रायपुर, दूसरा कोरबा, तीसरा बस्तर और चौथा राजनांदगांव, जिसमें वर्ष 2017 में आपका भनपुरी रायपुर में वर्ष 2017 में प्रदेश का पहला सीपेट खोला जा चुका है। प्रदेश का पहला सीपेट वर्ष 2017 में भनपुरी रायपुर जिले में ऑलरेडी खोला जा चुका है। अभी हाल ही में अभी अपने अटल विकास यात्रा के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने यह घोषणा कर दी है कि प्रदेश का दूसरा सीपेट आपके कोरबा में खोला जाएगा। कोरबा जिले में प्रदेश का दूसरा सीपेट खोले जाने की घोषणा कर दी गई है। तो ठीक है, याद रखिएगा, सीपेट प्रदेश का पहला सीपेट वर्ष 2017 से संचालित है आपका भनपुरी रायपुर में। दूसरा सीपेट को खोले जाने की घोषणा अभी हाल ही में की गई थी, कहां पर? कोरबा में। 2 जगहों पर यह अभी भी प्रस्तावित है, इसे मंजूरी नहीं दी गई है। कहां कहां पर? बस्तर में और राजनांदगांव जिले में। ठीक, इसे पूरा याद रखिएगा कि सीपेट कहां पर संचालित है, कहां पर इसकी दूसरा सीपेट खोले जाने की घोषणा की गई है और किन किन जगहों पर यह प्रस्तावित है। नेक्स्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं परिसर व्यापार परिसर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपका तूता ग्राम नया रायपुर। देखिए कौन सा क्षेत्र नया रायपुर में स्थित है और कौन सा रायपुर में, रायपुर जिला है उसके अंतर्गत नया रायपुर एक शहर है। तो देखिए आपसे ऑप्शन में नया रायपुर भी देगा और रायपुर भी देगा, तो इसे कन्फ्यूज मत होइएगा। देखते हुए चलिए कौन सा जगह आपका नया रायपुर में है और कौन सा रायपुर में है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर यह स्थित है आपका तूता ग्राम नया रायपुर में। ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी परिसर है, यह परिसर बनाया गया है आपके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए, प्रदर्शनी के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, सेमिनार के लिए, वर्कशॉप, व्यावसायिक सम्मेलन इत्यादि के लिए यह एक सर्व सुविधा युक्त ट्रेड सेंटर है। यानी उद्योग या व्यापार व्यवसाय वाणिज्य से संबंधित कोई भी एक सेमिनार होगा या व्यापार मेले होंगे, प्रदर्शनी होंगे, कॉन्फ्रेंस होंगे, तो इसके लिए यह एक सर्व सुविधा युक्त ट्रेड सेंटर है। तो याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर कहां स्थित है? तूता ग्राम नया रायपुर में। अब देखिए यह वाला आंकड़ा अभी हाल ही में आपका अपडेट हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018। ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है ये थोड़ा अपडेट हुआ है आपके इकोनॉमिक सर्वे में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2016 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ की क्या रैंकिंग थी वो बताया गया है, लेकिन ये आंकड़े अभी 2018 में अपडेट हुए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जो रिपोर्ट है, ये जो रैंकिंग है 2017 के आंकड़ों के आधार पर इसका रिपोर्ट जारी किया गया है 2018 में। तो आपके इकोनॉमिक सर्वे में जो छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार चौथे स्थान पर था 2016 के आंकड़ों के अनुसार, वह अब 2017 के आंकड़ों के अनुसार छठवें नंबर पर आ गया है। याद रखिएगा पिछले 2-3 सालों से आपका छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग पे चौथे स्थान पर था। पिछले साल आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे। तो अभी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो नई रिपोर्ट आई है, उस नई रिपोर्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ 97.36% के साथ आपका छठवें स्थान पर है। ठीक है, इसे अपडेट कर लीजिएगा, चौथा स्थान नहीं छठवां स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 में छत्तीसगढ़ छठवें स्थान पर है 97.36% के साथ। पहले नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश। देखिए जो पिछले साल आपका संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले नंबर पर थे, तो इस साल आपका पहले नंबर पर आ गया है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर चले गया है तेलंगाना, तीसरे नंबर पर है आपका हरियाणा, चौथे नंबर पर है झारखंड, पांचवें नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश और छठवें नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद है आपका मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो आपके 2017 के आंकड़ों के आधार पर है, जिसका रिपोर्ट जारी हुआ है 2018 में, इसके अनुसार 7.36% के साथ छत्तीसगढ़ छठवें स्थान पर है। अब देखिए कुछ ये योजनाएं हैं, इस योजनाओं को देख लीजिए। पहला है आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, यह योजना प्रारंभ हुआ था आपका 15 अगस्त सन 2008 को। इस रोजगार योजना के अंतर्गत जो ऋण सीमा है ना, इसमें ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण उपलब्ध 3 क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। एक है आपका विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है आपका सेवा यानी आपका सर्विस सेक्टर और तीसरा है आपका व्यवसाय। इन 3 क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध
कराया जाता है। तो इसमें हमें याद रखना है किस किस क्षेत्र में कितना कितना ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विनिर्माण के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर के लिए लगभग 10 लाख रुपए तक की राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। और तीसरा है आपका व्यवसाय, यानी स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखिएगा कि विनिर्माण में 25 लाख, सेवा क्षेत्र में आपका 10 लाख और व्यवसाय क्षेत्र में आपका 10 लाख रुपए की राशि इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। पात्रता, पात्रता क्या है, इसमें आयु सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक हो। शैक्षणिक योग्यता को याद रखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत जो पात्रता में जो शैक्षणिक योग्यता है वो है आपका 8वीं पास। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह और कुछ रजिस्टर्ड सोसाइटी भी इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के लिए पात्र होंगे। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, इसमें ऋण किस किस क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाता है और उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। अभी जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। इसकी काफ़ी क्राइटेरिया है, काफ़ी सब्सिडीज है, कुछ अंशदान है। तो ये क्या है, आपका राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है, तो इस योजना का लाभ काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाता। तो इसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ किया है आपका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। सेम कॉन्सेप्ट, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के कॉन्सेप्ट पर ही हमारे प्रदेश में चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, जिसमें ऋण सीमा है आपका विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए की अधिकतम राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए की अधिकतम राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि व्यवसाय के लिए स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, जो यहाँ पे व्यवसाय के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना है ना, रोजगार सृजन योजना के लिए जो 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही थी, वही हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि आपका युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। इसमें पात्रता क्या है, पात्रता है आपका आयु 18 वर्ष से अधिक हो, शैक्षणिक योग्यता भी सेम है, आपका 8वीं पास होना चाहिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी हो, या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ यह न उठा रहा हो। तो दोनों सेम है, बस दोनों में आपको याद रखना है कि विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और व्यवसाय क्षेत्र में कितनी कितनी राशि ऋण के रूप में प्रदान की जा रही है, वैसे ही मुख्यमंत्री युवा योजना में कितनी राशि विनिर्माण, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में प्रदान की जा रही है और इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, दोनों में आपका 8वीं पास है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके साथ आप एक चीज और याद रखिएगा, जो है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। लास्ट ईयर सीजीपीएससी प्री 2017 का यह प्रश्न बना था, उसमें आपका ऋण उपलब्ध कराने के लिए 3 कैटेगरी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध 3 कैटेगरी में किया जाता है। एक है आपका शिशु अवस्था, दूसरा है किशोर और तीसरा है आपका तरुण। तो पिछले साल पीएससी का प्रश्न था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर अवस्था या किशोर ऋण श्रेणी में कितनी रुपए की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। तो ये तीनों कैटेगरी का याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु श्रेणी में आपका 0 से लेकर के 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, किशोर श्रेणी में आपका 50,000 से 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि तरुण श्रेणी में आपका 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसे मैंने यहां नहीं लिखा है, तो आप ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, देखिए ये हर साल आपको किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न दिखेगा ही कि किशोर श्रेणी के अंतर्गत, शिशु श्रेणी के अंतर्गत या तरुण श्रेणी के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितनी राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आंकड़े भी याद रखिए और इन आंकड़ों को भी याद रखिएगा। तो देखिए, सारे इंपॉर्टेंट जो उद्योग के अंतर्गत आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था वो सब हम कवर कर चुके हैं। यदि आपको और थोड़ा डिटेल में जाना है तो एक ये है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण और एक है आपका ये ऑटोमोटिव, है ना, ऑटोमोटिव नीति और या कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति। इसमें क्या है, कितनी छूट दी जा रही है, बैट में कितनी छूट दी जा रही है, प्रवेश कर में कितनी छूट दी जा रही है, ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाकर के उसमें दिया गया है। यदि पीएससी कुछ ज़्यादा डिटेल में गया तो इसमें थोड़ा डीप में जाकर पूछ सकता है। तो इसका थोड़ा डिटेल आप छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे के जो आपके पास पीडीएफ होगा उसे जाकर पढ़ लीजिएगा, या जो हमारा फेसबुक चैनल और फेसबुक और टेलीग्राम चैनल जो बना हुआ है उसमें मैं
स्पेशली ये दोनों को अलग से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसको थोड़ा डिटेल में उससे पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति और ऑटोमोटिव नीति को। तो आज का हमारा छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 अध्याय 10 उद्योग वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।